अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। मैं हूं अदरीस और आप देख रहे हैं आपका ही अपना चैनल पिको मास्टर चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपने इसी चैनल के ऊपर एक फ्री डुबट्टा पिको ट्रेनिंग का कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें मैं नए लोगों को जो कि पिको का काम सीखना चाहते हैं उनको बिल्कुल फ्री में पिको का काम सिखा रहा हूँ। और ये वाली जो वीडियो है उसी कोर्स की 14वीं वीडियो है, यानी कि इससे पहले मैं 13 इसी तरह की वीडियो अपने इसी चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी तो बेफिक्र हो जाएं, टेंशन मत लीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उन तमाम 13 वीडियो के लिंक मौजूद है, आप वहां पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हो। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 13 में मैंने आपको कटवर्क पिको का टांका सेट करने का तरीकेकार बताया था कि किस तरह से आप कटवर्क पिको का टांका सेट कर सकते हो और कौन सा टांका और किस तरह का टांका आपने कटवर्क का रखना है। मुकम्मल डिटेल से मैंने हर चीज़ आपको समझाई थी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो यार जल्दी से उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कटवर्क पिको करने का तरीकेकार बताऊंगा कि किस तरह से अगर आप पहली दफ़ा मशीन को चलाते हो या चलाना चाहते हो या चलाने लगे हो या चला रहे हो तो किस तरह से आपने कटवर्क पिको करनी है, हाथों को आपने किस तरह से चलाना है, क्या तरीक़ेकार है कटवर्क पिको करने का, मुकम्मल हर चीज़ आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मैंने ये वाली जो पिको सीखी है मुझे कितना अर्सा लगा, कितने दिनों में मैंने सीखी, किस तरह से सीखी और आप इस पिको को किस तरह और कितने दिनों में सीख सकते हो, ये सब बातें भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, लास्ट तक देखना है, मिस और स्किप तो बिल्कुल ही नहीं करना। और अगर आप मेरे पहली दफ़ा मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को दबाकर आल पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मज़ीद इस तरह की ज़बरदस्त और अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को आपने लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है। और चलिए फिर चलते हैं मशीन पर और आज कुछ नया सीख लेते हैं। जी तो दोस्तों, हम आ चुके हैं मशीन पर। यह जो मशीन आप देख रहे हो यह है कुंडी कटवर्क वाली फैंसी पिको की मशीन, यानी कि डबल निडल वाली मशीन आप देख रहे हो। इस पर दो सुइयां लगी हुई हैं, ये दो धागे हैं और ये इस पर मैंने अब चार धागे जो है ना लगाए हुए हैं क्रोशिया पिको के। आपको मैंने धागे डालना सिखाए हुए हैं कि किस तरह से आपने धागे डालने हैं इस मशीन में और कटवर्क पिको का जो टांका है वो किस तरह का होना चाहिए और उसकी क्या सेटिंग है वो भी मैंने आपको समझाई हुई है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उन तमाम वीडियो के लिंक मौजूद हैं, वहाँ पर जाकर आप सीख सकते हो कि इस मशीन में धागे कैसे डाले जाते हैं और इस मशीन का जो टांका है वो आपने किस तरह का रखना है, सारा कुछ मैंने बताया हुआ है पिछली वीडियो में। तो आपने जाकर वो वीडियो देख लेनी है अगर आपको इस मशीन में धागे डालना और इस मशीन का टांका सेट करना नहीं आता तो। ठीक है, तो धागे डालना भी हमने सीख लिए हैं, टांका हमने निकालना भी सीख लिया है। आज की इस वीडियो में आपको कटवर्क पिको करना सिखाऊंगा कि कटवर्क पिको की प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है। ये कपड़ा है, इस कपड़े के ऊपर मैं आपको करना सिखाऊंगा ये वाली पिको। ठीक है, तो मशीन की सेटिंग मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, वैसे पहले भी मैंने दिखाई और समझाई हुई है लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ जो नए लोग हैं जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं। तो ये देख लें, गाइडों की सेटिंग देखें कि किस तरह की मैंने अपनी मशीन की गाइडें रखी हुई हैं, उनकी क्या सेटिंग है। तो सेम इसी तरह से आपने अपनी मशीन की भी गाइडों की सेटिंग कर लेनी है। सही है, ये मूवमेंट चेक करें कौन सी गाइड कहाँ तक जाती है, क्या इसका तरीक़ाकार है, और बड़े लूपर छोटे लूपर की भी देख लें आप सेटिंग। सही है, तो सेम यही चीज़ आपने अपनी मशीन पर कर लेनी है। तो ये पंजा गाइड और ये इसको केकड़ा गाइड या तलवार गाइड बोलते हैं इसकी भी, या इसको कुंडी बोलते हैं, इसकी भी सेटिंग आप देख लें। ठीक है, सेम यही चीज़ आपने अपनी मशीन पर भी कर लेनी है। तो पिछली वीडियो अगर हमने नहीं देखी तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उन तमाम वीडियो के लिंक मौजूद हैं, आपने वहाँ पर देख लेनी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको धागों के बारे में बताया हुआ था कि आपने इस धागे को थोड़ा लूज़ रखना है, इसको टाइट रखना है और इन दोनों को बराबर रखना है, यानी कि ये धागा चारों में से ये जो धागा है छोटे लूपर का ये सबसे ज़्यादा टाइट होता है, ये कम टाइट होता है और ये जो दोनों हैं ये बराबर टाइट होते हैं, यानी कि एक जैसे ये टाइट होते हैं, ये थोड़ा कम टाइट होता है और ये ज़्यादा टाइट, ये उतना टाइट होता है जितनी आपको इसकी ज़रूरत हो, यानी कि जितना आप चाहते हैं कि ये वाला जो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये आरसी कलर का धागा है, आरसी गुलाबी, ये आप कितनी कितना चाहते हैं, ये कटवर्क में कितना शो, ज़्यादा शो करना चाहते हैं तो आपने इसको लूज़ कर देना है, अगर आप कम शो करना चाहते हैं तो आपने इसको टाइट कर देना है। बस यही प्रोसीजर दूसरे तीनों धागों का भी है कि जो धागा आप ज़्यादा चाहते हैं कि ज़्यादा आए उसको आपने लूज़ कर देना, जो चाहते हैं आपको कम धागा है आपने उसको टाइट कर देना है। ठीक है, तो
ये मैं टांका निकाल कर आपको दिखाता हूँ पहले। ठीक है, ये टांका मैंने निकाला और ये देखें ये कपड़ा है। इसी तरह का आपने कपड़ा ले लेना है, कोई भी ले लें, ये मैं एक ले रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे आपने कपड़े को इसके अंदर लगा देना ऐसे। ठीक है, इसके अंदर आपने लगा देना। बाज़ लोग करते हैं ऐसे, इसी तरह से बाज़ लोग इस तरह से कपड़े को पकड़ कर करते हैं। जैसे आपको मुनासिब लगे, जहाँ पर आपका हाथ आसानी से चल जाए, आपने वो स्टाइल इस्तेमाल करना है। बाज़ लोग करते हैं ऐसे, ठीक है, इस हाथ को ऐसे रख लेते हैं और इसको ऐसे करते हैं। और बाज़ जो लोग होते हैं वो इस कपड़े को ऐसे पकड़ते हैं और यहाँ पर एक फिंगर रख लेते हैं, ये वाला। ठीक है, ये दो स्टाइल हैं, आप देख लें इसी तरह के। तो मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ कैमरे को, ये देखें, एक स्टाइल ये हो गया इसी तरह से, ठीक है, और एक स्टाइल ये हो गया। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने ये जो हाथ है ये थोड़ा सा करीब ही रखना है इसके, इतना ज़्यादा करीब नहीं कि आपकी उंगलियाँ नीचे आ जाए, इतना ज़्यादा आपने दूर भी नहीं रखना है। ये ना हो कि आपने मतलब कि बहुत ज़्यादा दूर हाथ रखा हुआ है और कपड़ा फिर नहीं सही चलेगा। कोशिश करें कि यहाँ तक, ये जो इसका जो बॉर्डर है ना, टॉपा है, ये नीचे जो टॉपा है, तो यहाँ तक आपका आना चाहिए हाथ। ठीक है, ये देखें, अगर ये स्टाइल अब अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपका ये जो अंगूठा है ये यहाँ पर आना चाहिए, ये स्टाइल। ठीक है, अगर आप ये स्टाइल करना चाहते हैं तो इसी तरह से आपकी उंगलियाँ यहाँ पर आनी चाहिए। ठीक है, इतना आपने इसको करीब रखना है, ज़्यादा आपने दूर इसको नहीं रखना, समझाई। तो ये चीज़ अगर इस तरह करना चाहें, इस तरह करना चाहें, जैसे आपकी मर्ज़ी। ये इस हाथ को आपने जहाँ आपको आसानी लगे आपने इसको ऊपर रख लेना है, इसको ऐसे नीचे रख लेना है। दो तरीके का आ रहे हैं, ठीक है, इस कटवर्क करने के, तो जो आपको मुनासिब लगे आपने वो तरीका कार इस पर इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमने ये मेरा जो तरीका कार है वो ये है कि मैं अंगूठे को ऐसे नीचे रखता हूँ, ये चार उंगलियाँ ऊपर रखता हूँ और ये एक मिनट, और ये फिंगर ऐसे में रखता हूँ। ठीक है, ये तरीका कार मेरा। आपने क्या करना है कि सबसे पहले इस कपड़े को ऐसे घुमाना है, मशीन को ऐसा से चलाना, मशीन की स्पीड आपने स्लो रखनी है, 5 रख लें, 10 रख लें, 10 रख लें अच्छी है। ठीक है, मज़ीद और भी स्लो करना चाहते हैं तो आप इसकी स्पीड को कम कर लीजिएगा। कम स्पीड से आपको आसानी होगी कटवर्क करने में, ज़्यादा स्पीड आपसे कंट्रोल नहीं होगी अगर आप पहली दफ़ा पिको करने जा रहे हो तो। ठीक है, इसी तरह से आपने इसको चलाना है, ये देखें, ऐसे आपने कपड़े को रखना है और इसको ऐसे ले कर आना है, ये देखें। ठीक है, जैसे सांप रेंगता है ना, आपने कोशिश करनी कि यहाँ पर सांप बनाना है आपने। ठीक है, सांप ऐसे ज़िगज़ैग चलता है ना, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर सांप बनाना है ऐसे ज़िगज़ैग, जिस तरह से उसकी ज़िगज़ैग होती है उसी तरह से आपने ये बनाने, यही समझे कि यहाँ पर आपने सांप बनाना है। ठीक है, तो ये देखें किस तरह से चलता है सांप, ऐसे चलता है, फिर ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है, ये ऐसे, ये देख रहे हैं, यहाँ पर जब आपने ऊपर से गुलाई लेकर आनी है तो आपने इस हाथ से कपड़े को ऐसे थोड़ा सा खींचना है, इस हाथ से आपने इसको इधर लेकर जाना है, इस हाथ से आपने इसको खींचना है। ये देखें, यहाँ पर लेकर आए और कपड़े के अंदर थोड़ी सी लेकर आए और इसको ऐसे निकाला, ये देखें। ठीक है, ये देखें, यहाँ पर लेकर आए, इस उंगली को आपने उठा लेना है, इससे पकड़े रहना आपने। ठीक है, इस उंगली को उठा लेना है और ऐसे। ठीक है, ये देखें, ये आपने तरीकेकार करना है, सही है, इसको ऐसे खींचना है। फिर जब ये ऐसे जाएगी तो फिर आपने इसको ऐसे धकेलना है इस उंगली से, जब ऊपर से ये देखें, ऊपर से जब बनेगी तो आपने इसको ऐसे खींचना है, जब ये नीचे से ये वाला कट बनेगा, ये वाला, तो आपने इसको ऐसे धकेलना है। ठीक है, तो ये तरीकेकार, ये देखिए जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आपने उसी तरह से करना है। ये देखिए, मैंने नीचे खींचा, अब जाएगी ऊपर, ऊपर की तरफ मैंने कपड़े को धकेला हल्का से मैंने, ये देखें, ये मैं उंगली को उठाकर पीछे ले आता हूँ, यही तरीका आपने करना है, उंगली को उठाकर आपने पीछे ले आना है, ये देखें। ठीक है, ये देख, ये तरीका कार। और कोशिश ये करनी कि जब ऊपर से लेकर आओ ना, यानी कि ये चीज़ जब ऊपर से बनाओ तो इसके यहाँ पर किनारे पर आनी चाहिए, यहाँ पर इसके किनारे पर आनी चाहिए, इसके किनारे पर, ये इतना आपने कपड़ा इसके अंदर देना है कि कपड़ा बाहर की तरफ निकले ना ये टांका। ठीक है, बाहर की तरफ निकले ना, अगर बाहर की तरफ कहीं से भी निकल गया तो फिर ये पिको ख़राब हो जाएगी। कपड़ा आपने इसके अंदर देना भी कम है और ये कपड़ा आपने इसके अंदर देना भी कम है और बाहर भी कम निकालना, बस अंदाजे से आपने रख लेना कि जितना, कि ये बाहर की तरफ टांका ना जाए, टांका इसके अंदर ही रहे।
और इस तरह से आपने इसको बनाते जाना। देखिए थोड़ा सा मैं स्पीड से बनाकर आपको दिखाता हूँ, थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा करके। तो ये देखिए ऐसे, ठीक है। समझ आइए आपको, ये देखिए किस तरह कटवर्क बन रहा है। तो इसी तरह से आपने इसके कटवर्क जो बना लेना। टांका अगर कहीं पर ख़राब हो, कोई मसला हो, तो आपने यहाँ से इसको टाइट लूज़ कर लेना है, सही है। तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने मेरे इस हाथ पर नज़र रखनी है कि ये मैं हाथ किस तरह से चलाता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने इस हाथ पर, पहले आप इस हाथ पर आपने नज़र रखनी है कि मेरा हाथ चल किस तरह रहा है, मैं किस तरह से पिको कर रहा हूँ। फिर आपने इस हाथ पर नज़र डालनी, सबसे पहले आपने इस हाथ पर डालनी है कि मेरे हाथ की जो है ना सेटिंग क्या है, किस तरह से मैं कर रहा हूँ, उसी तरह से आपने भी करना है। तो इस हाथ पर आपने नज़र रखनी है, मेरे इस हाथ पर। ठीक है दोस्तों, समझ आइए आपको कि जब ऊपर से नीचे की तरफ मैं आता हूँ तो मैं इस तरह कपड़े को ऐसे नीचे खींच देता हूँ, ऐसे खींच देता हूँ, ठीक है। जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाता हूँ तो यहाँ पर मैंने खींचा, यहाँ से मैं उंगली उठा लेता हूँ और आगे ले जाता हूँ और यहाँ पर इसको ऐसे ऊपर की तरफ खींच कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, फिर मैं इसको उंगली उठा लेता हूँ और ऐसे करता हूँ, ठीक है। आपने ये मेरी उंगली देखी, मेरा हाथ देखा, इसी तरह से आपने करना है। और ये जो हाथ होता है, ये होता है सिर्फ कपड़े को घुमाने के लिए। जैसे आपने इस तरफ लेकर आना है, दोनों हाथ आपने ऐसे लेकर आने हैं, इस तरफ लेकर जाना है तो दोनों हाथ आपने इस तरफ लेकर जाने हैं, ठीक है। इस हाथ से कपड़े को आपने पकड़ कर भी रखना है और इसको ऐसे ऐसे करते भी रहना है। ज़्यादा लूज़ आपने कपड़े को नहीं छोड़ना, ये नहीं कि आपने बिल्कुल हल्का सा आपने इसको रखना है, नहीं, कपड़े को आपने मुनासिब दरमियाना इसको पकड़ कर रखना है कि ये, अगर आप इसको ज़्यादा खींच कर रखोगे अपनी तरफ तो फिर टांका एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा और टूट जाएगा। बाद लोग क्या करते हैं कि वो इस तरह से करते हैं और इस कपड़े को आगे जाने नहीं देते और कपड़े को ऐसे खींच कर रखते हैं और पिको फिर होती नहीं और फिर इस तरह को टांका आ जाता है। फिर कहते हैं कि भैया ये क्या हो रहा है, हमारी मशीन ख़राब है। तो भैया मशीन नहीं ख़राब, आपकी जो प्रैक्टिस है वो ख़राब है, ठीक है। तो आपने इस कपड़े को आगे की तरफ जाने देना है, जितनी ये मशीन चाहती है ना कि मुझे कपड़ा दो, आपने उतना कपड़ा इस मशीन को देना है। इस मशीन ने सिर्फ टांका निकालना होता है, ठीक है, टांका निकालना होता है। तो ज़ाहिर है जब आप इसको खींचोगे इस तरह से, ऐसे खींचोगे तो ये देखें धागा टूट गया, ये धागा टूट गया, कपड़ा एक जगह पर इकट्ठा हो गया और ये वजह बनती है। अब ये देखें, ठीक है, एक जगह पर इकट्ठा हुआ, ये गिल्टी सी बन गई एक, ठीक है, और ये धागा टूट गया। बाज़ औक़ात यही होता है कि करनी नहीं आती उनको, पता नहीं होता, और मशीन का कपड़ा जो खींच लेते हैं और फिर धागा टूट जाता है और कहते हैं कि भैया हमारी मशीन ख़राब है। तो मशीन भी बाज़ औक़ात ख़राब नहीं होती, बाज़ औक़ात आपकी जो प्रैक्टिस वो ख़राब होती है। तो आपने इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है कि कपड़े को आपने आगे की तरफ जाने देना है जितना ये मशीन मांगती है, ठीक है। तो ये मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। तो इसी तरह से ये देखें, ये प्रैक्टिस। अब दूसरी तरह मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखें। अगर मैं चारों उंगलियाँ नीचे रखता हूँ, ये हाथ ऐसे रखता हूँ, तो इसी तरह से भी आप कर सकते हो, ये देखें, ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगे। अगर ये वाला अगर आप स्टाइल करोगे तो आपने ये हाथ जो है ना थोड़ा सा ऐसे पीछे रखना है। अगर ये वाला स्टाइल करोगे तो आपने यहाँ पर ये इसको कपड़े को रखना है, यानी कि ये देखिए कितना फासला है, ठीक है, ये फासला आप चेक करें। अगर ये वाला स्टाइल आपने लगाना है तो यहाँ पर आपने इस हाथ को रखना है, ये इतना फासला आना चाहिए तकरीबन 1 इंच या 1.5 इंच का। अगर आपने ये वाला स्टाइल लगाना है तो फिर आपको यहाँ पर कपड़े को पकड़ना होगा, यहाँ पर, ठीक है, ये टापे के करीब, और ये तकरीबन आपको 3 या 4 इंच का या 3.5 इंच का जो फासला वो आपको रखना पड़ेगा यहाँ पर, सही है। तो मैं आपको दोबारा से करके दिखा देता हूँ। तो ये देखें इसी तरह से आपने, और कपड़े को आपने ऐसा ऐसा छोड़ते जाना है। ये देखें इस हाथ पर नज़र डालें मेरे, तो मैं ऐसे ऐसे कपड़े को छोड़ रहा हूँ
पकड़ा भी हुआ है, छोड़ भी रहा हूँ, यानी कि इतना टाइट ये मैंने रखा हुआ है, ये ऐसे ऐसे निकल रहा है मेरे हाथ से। मैं इस कपड़े को ऐसे घुमा भी रहा हूँ और ऐसे ये देखें ये निकल भी रहा है, तो इतना आपने इसको टाइट रखना है। ये देखें, ठीक है। तो ये देखें, ये मेरा ये स्टाइल नहीं है थोड़ी, इसलिए ये ठीक नहीं बनी, क्योंकि मेरा जो स्टाइल है ये वाला है, इससे मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल मैं महसूस होता हूँ, तो इसलिए मैं ये वाला स्टाइल इस्तेमाल करता हूँ ज़्यादातर कटवर्क पिको करने में। ये देखें, तो ये देखें, ठीक है दोस्तों, तो ये तरीक़ेकार है कटवर्क पिको करने का। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, फिर भी नहीं समझ आई, तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि भैया हमें यहाँ पर इस चीज़ की समझ नहीं आई, तो हो सकता है मैं उस पर एक वीडियो बना दूँ। आप लोगों के ज़्यादा इसरार करने पर मैं उसकी एक वीडियो बना कर भी आपको समझा दूँगा। बाकी उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपने कटवर्क पिको करनी है। बाकी कटवर्क पिको सीखने के लिए सबसे मेन जो चीज़ होती है वो होती है प्रैक्टिस और लगन। अगर आप प्रैक्टिस करोगे और लगन से करोगे और दिल से करोगे और आपके अंदर ये शौक़ है कि मैंने ये काम सीखना है और करना है और बस करना है, तो फिर भैया कोई भी बंदा आपको इस काम से पीछे नहीं हटा पाएगा, आप ज़रूर एक दिन सीख जाओगे। कोई इतना मुश्किल नहीं। बाद लोग कहते हैं कि भैया कितने दिनों में मैं सीख जाऊँगा, मैं कितने दिनों में मैं तैयार हो जाऊँगा, कारीगर बन जाऊँगा, तो भैया उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर दिनों की लिमिट नहीं होती। आप उतने दिन में सीख जाओगे जितना आप इस पर दिल लगाकर काम करोगे। अगर आप एक दिन में दिल लगाकर काम करते हो, आपने माइंड सेट बना लिया कि मैंने ये करना है और जो खामियां ये मैंने दूर करनी है, मैंने प्रैक्टिस करनी है और करनी है, तो भैया हो सकता है आप एक दिन में भी सीख जाओ। अगर आप दिल नहीं लगाओगे, इस पर दिमाग नहीं लड़ाओगे, इस पर जहन नहीं दोगे, तो भैया फिर तो आप साल भी अगर लगे रहो ना, तो फिर भी नहीं सीख सकते हो। तो मैंने जो सीखा था, मैं अपनी बताऊँ तो मैंने तकरीबन 1 से 1.5 मंथ में मैंने ये काम सीख लिया था। और वो ज़्यादातर मैं क्या करता था कि मेरे जो उस्ताद मोहतरम होते थे वो काम करते थे, मैं उसको देखता था, सिर्फ मैं देखता था, मैंने प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि मुझे चलानी नहीं आती थी। सीधी सी बात बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता था, जब मैं न्यू गया था ना उस्ताद के पास, तो मैं या साइड पर होकर सिर्फ देखता था कि उस्ताद काम किस तरह से करते हैं। वो इस तरह से बड़ी 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 तेज़ी से और स्पीड से ये करते थे, तो मैं देखता रहता था कि किस तरह से करते रहते हैं। और फिर 4-5 दिन गुजरने के बाद तो उस्ताद ने मुझे बोला कि आप ये ना ओवरलॉक करो, तो उसने मुझे बताया कि इस तरह से आपने ओवरलॉक करनी है। तो मैंने स्टार्ट जो मैंने किया था वो ओवरलॉक से किया था, ओवरलॉक मशीन से मैंने स्टार्ट किया था। ओवरलॉक ऐसा ऐसा मैंने किया, इस तरह से मैंने उसको मतलब कि ऐसे ऐसे ओवरलॉक करता था, मैंने अपने हाथ पर मशीन चला ली। ज़्यादा मसला होता है कि मशीन की जो स्पीड वो कंट्रोल करना, कि स्पीड आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हो। उन वक्तों में सर्वो मोटर थी नहीं, बड़ी क्लच वाली मोटर होती थी, तो बड़ा मसला बनता था। तो बहरहाल बड़ी मुश्किल से मैंने 1 हफ्ते के अंदर अंदर मशीन की स्पीड को कंट्रोल किया था। सही है, स्पीड को कंट्रोल करने के बाद फिर मैं ओवरलॉक करता रहा, तकरीबन 10-15 दिन ओवरलॉक करता रहा। ओवरलॉक के बाद जब मुझे पता चल गया कि ये मैं चला सकता हूँ, तो इसी तरह मैं फिर चाइना पिको पर आ गया। चाइना पिको मैंने करना शुरू कर दी, चाइना पिको में मास्टर हो गया, ठीक हो गया। और फिर मेन चीज़ थी इस चीज़ की कि ये मैं कैसे सीखूँगा, मुझे शौक था इस चीज़ का। तो मैंने
साथ की मशीन पर कभी भी नहीं लगाया। क्यों नहीं किया कि ऐसा ना हो कि मैं बैठ जाऊं, कोई निडल टूट जाए या कोई मसला बन जाए तो साथ मुझे गुस्सा ना हो। लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे, मैं जितनी भी उनकी तारीफ कर लूँ बहुत ही कम है। और कोई बड़े बाबे नहीं थे, मेरी ही उम्र के थे, मुझसे तकरीबन एक या दो साल बड़े होंगे, और मैं आज भी उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छे इंसान थे और बहुत ही कमाल के टीचर थे। जो कुछ भी मैंने सीखा अपने उस्ताद मोहतरम से सीखा। ठीक है, तो उनका नाम था तालब हुसैन, इधर हमारे इधर वो रहते हैं, तालब हुसैन उनका नाम है, और बहुत ही अच्छे और कमाल के टीचर हैं। आज तक उन्होंने मुझे गुस्सा नहीं किया, मुझे डांटा नहीं, जो भी किया उन्होंने मुझे तारीफ़ ही की मेरे काम की, और मुझे मेरे काम को पसंद किया। और वो मुझे कहते थे कि तुम मेरे वाहिद शागिर्द हो कि जिसने मुझसे पूरा काम सीखा, यानी कि मुझे भी पीछे छोड़ गए। हालांकि मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो ख़ुद अपने मुंह से कहते थे कि मुझे भी तुम पीछे छोड़ गए, तुम मुझसे भी बढ़ गए। लेकिन आज भी वो मेरे उस्ताद हैं और मैं उनसे कम हूँ। ठीक है, मैं ख़ुद को उनसे कम समझता हूँ, कमतर समझता हूँ, क्योंकि वो मेरे मोहतरम हैं, मेरे उस्ताद हैं, और मेरे मतलब कि बहुत ही मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ। मेरे अल्फाज नहीं है मेरे मतलब दिल के अंदर कि मैं किस तरह से उनकी इज़्ज़त के जो ना अल्फाज में उनके लिए बयान करूं। ठीक है, तो अल्फाज कम पड़ जाते हैं उनकी तारीफ़ करने में मेरे पास। तो जो कुछ सीखा मैंने उनसे सीखा। ठीक है, तकरीबन डेढ़ दो मतलब कि एक मंथ या डेढ़ मंथ तकरीबन इतना ही हुआ होगा, तो मैंने उनसे मतलब देखता रहा, सिर्फ चाइना पिको मैंने ओवरलॉक और चाइना पिको मैंने उनसे की, बाकी मैं देखता रहा। और उसके बाद मैंने अपनी मशीन ख़रीदी, अपनी मशीन ख़रीदी के तो उसके बाद मैंने अपनी मशीन ख़रीदी और मैंने अपनी मशीन रख ली अपने घर पर। तो मैं जाता हूँ साल के पास और जो कुछ भी सीखता था तो मैं आकर उस मशीन पर प्रैक्टिस करता था, घर पर प्रैक्टिस करता। कोई मसला होता तो मैं उस्ताद से पूछता कि सर जी ये मसला यहाँ पर आ रहा है, तो फिर मुझे वो बताता कि ये मसला जो होता है ये इस तरह का होता है और इसको ऐसे ठीक किया जाता है। तो उनसे पूछता मैं और यहाँ पर प्रैक्टिस करता घर पर आकर। और तकरीबन दो मंथ के अंदर अंदर मुझे ये कटवर्क पिको करना आ गई थी। फिर उसके बाद मैंने उस्ताद से ली इजाज़त कि सर जी मुझे इजाज़त दीजिए कि मेरे पास मैं एक दफ़ा ना इसकी प्रैक्टिस करना चाहता हूँ खुद घर पर, और काफ़ी ज़्यादा टाइम देना चाहता हूँ। क्योंकि हमारा जो काम का टाइम होता था वो मैं सुबह तकरीबन 7 बजे जाता था और मगरब टाइम मैं घर आता था। ठीक है, इतना टाइम में मैं वहाँ पर काम करता था। और जब मगरब टाइम बंदा घर आता है और ज़ाहिर है कि बंदा थका थकाया होता है और फिर ये काम इसकी प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने उस्ताद से इजाज़त मांगी कि सर जी मुझे इजाज़त दें तो मैं खुद घर पर ये काम करना चाहता हूँ, खुद घर पर इसकी प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, मुझे काफ़ी टाइम चाहिए इसके लिए कि मैं एक दफ़ा ना खुद इसकी प्रैक्टिस करूँ, खुद इसको सीखूँ। तो साथ ने कहा ठीक है बेटा, आप जा सकते हो, कोई मसला नहीं, किसी चीज़ के बारे में कोई पूछना हो, कोई भी मसला हो तो मुझे आपने आकर मुझसे पूछ लेना है। ठीक है, फिर मैं घर चला गया। घर पर मैंने इसको टाइम दिया, काफ़ी टाइम दिया, तकरीबन 10 दिन मैं प्रैक्टिस करता रहा इसकी। और उसके बाद मुझे प्रैक्टिस करने के बाद मुझे कटवर्क पिको भी आ गई, मैंने कुंडी भी सीख ली। उस वक्त ज़्यादातर जो चलते थे ना कटवर्क और कुंडी चलती थी, डिज़ाइनिंग बनी इतनी नहीं चलती थी हमारे इधर इलाके में। ठीक है, तो ये दोनों मैंने पिको सीखी और इसके अलावा साथ साथ मैंने बहुत सारे डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिए। ऐसे ऐसे डिज़ाइन बनाता, कोई मसला आता तो मैं पहले खुद देखता इसको, मशीन को खोलता, उसके इस मतलब को लूपर में मसला आ गया, लूपर को खोल कर कभी आगे कर लिया, कभी पीछे कर लिया, देखता था कि यार आगे करूँगा तो क्या होता है, पीछे करूँगा तो क्या होता है। तो गाइड को ऊपर कर दिया, ऊपर करके टांके देखा, टांके को देखा कि ऊपर करता हूँ तो टांका किस तरह का आ जाता है, नीचे करूँगा तो किस तरह का आएगा, इसको ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया, ऐसे ऐसे मैंने मशीन के साथ बोलूँ ना कि तो पंगे लेता रहूँ, सही लफ्ज़ में बोलूँ तो मशीन के साथ मैंने पंगे लिए, दिल खोल कर लिए और बहुत ज़्यादा पंगे लिए। बाज़ दफ़ा तो ठीक हो जाता था, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि मुझे उस्ताद को बुलाना पड़ता था कि उस्ताद जी ये मशीन ख़राब हो गई है तो इसको सेट करें, क्या इसमें मसला है। फिर उस्ताद आते थे, मेरी मशीन ठीक करते थे, ठीक करके मुझे बताते थे कि ये इस जगह पर प्रॉब्लम आ रही है, आपने इसको ऐसे करके ऐसे रखना है, फिर ये ठीक हो जाएगी। तो फिर मैं कुछ उस्ताद से सीखा, कुछ मैंने खुद पंगे लिए, और उन पंगों की वजह से आज मैं इसको अच्छी तरह से समझ चुका हूँ, मुझे पता है कि किस तरह से इसको सेट करना है, क्या इसको करना सारा कुछ मैं मतलब कि सीख चुका हूँ। और वही चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी सिखाऊँ, जो मैंने पंगे लिए हैं, जो मैंने जो भी किया है, वही मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बताऊँ, ताकि मेरे जैसे जो लोग हैं या मतलब कि ऐसे लोग जो कि काम सीखना चाहते हैं
उनके दिल में शौक है अपने मतलब कि एक शौक की खातिर, या वो कोई रोज़ी का बहाना बनाना चाहते हैं तो मेरे वसीले से वो लोग भी ये काम सीख जाएं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हर चीज़ बताऊं, हर चीज़ समझाऊं और अच्छी तरह से उसको समझाऊं, लेकिन फिर भी अगर किसी चीज़ किसी बंदे को कोई चीज़ समझ नहीं आती, उसके माइंड में हो रह जाती खर्च, यानी कि एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ और मेरे दिमाग से निकल गई दूसरी चीज़ समझाना, तो वही प्रॉब्लम उस बंदे को पेश आ रही कि दूसरी चीज़ मैं नहीं समझा पाया हूँ या मेरा उस तरफ ध्यान नहीं गया, और आपको दूसरी चीज़ में समझ आपको दूसरी चीज़ समझनी चाहिए है लेकिन वो मैं नहीं समझा पाया हूँ। तो उसका सही तरीक़ेकार वो है कि आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दें कि भैया इस जगह पर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, इसको आप दोबारा समझा दें। तो सर मैं ज़रूर समझा दूँगा, कोई मसला नहीं। तो ठीक है, तो आपने वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपने इसको लाइक भी कर देना, समझ आ गई है तब भी आपने मुझे बता देना है कि भैया हमें इस चीज़ की ये समझ आ गई है। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से कटवर्क पिको करनी है, क्या इसका तरीक़ेकार है। मैं फिर से कह देता हूँ कि मेहनत, लगन, ये दो चीज़ें और प्रैक्टिस, ये आपने करनी है तब आप इस पिको को सीख पाओगे। ठीक है, कोई भी काम है ना, कोई भी काम अगर आप दिल लगा कर नहीं करोगे तो भैया कभी भी नहीं सीख पाओगे। आपने दिल लगाना है, प्रैक्टिस करनी है, कोई मसला हो मुझसे पूछना है मैं बताऊंगा, बाकी प्रैक्टिस आपने करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी आप सीख पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको कुंडी वाली पिको करना सिखाऊंगा कि कुंडी पिको आप किस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों बहुत सारी दुआएँ आपके लिए कि अल्लाह आप सबकी सेहत और तंदुरुस्ती बरकरार रखे, अल्लाह आप सबके कारोबार में और रिज़्क में इजाफ़ा फरमाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।